दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शालीन पाठशाला में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं RBSE क्लास 8 मैथ सब्जेक्ट से संबंधित मॉडल पेपर अध्याय 8, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं से संबंधित MCQ टाइप यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देना। किस प्रकार से हम देख के करते हैं हल। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, 4x गुणा 5y गुणा 7z का हल होगा। तो दोस्तों इसको हल करने का सीधा सा तरीका है, अंकीय संख्याओं को गुणा कर दीजिए और एक्स वाई जेड जो है वो लगा दीजिए। देखिए, 4 गुणा 5 करते तो 20 आता है, 20 को गुणा 7 से करते तो 20 सात 140 होता है। 140 एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। अब देखिए ये आंसर कहाँ मिलता है हमें, ये आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर स में, जो कि सही आंसर है, इसलिए हमें भरना है कोष्टक में स। आइए दूसरा सवाल देखिए, यदि x बराबर 2 रख लिया जाए, y के बराबर 2 रख लिया जाए, तो 3x प्लस 3y का मान होगा। इस x के स्थान पर 2 रखना है, y के स्थान पर 4 रखना है और दोनों को फिर जोड़ना है। तो देखिए किस प्रकार से होता है ये, या 3, दोस्तों ये दोनों संख्याएं गुणा में है तो गुणा में होगी, 3 गुणा में 2 प्लस 3 गुणा में 4। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 3 अचौक 12 प्लस 3 दूनी 6, 12 और 6 कितना होता है दोस्तों, 18, जो कि ऑप्शन नंबर द में हमें मिलता है, इसलिए द को भरना है कोष्टक में। आइए तीसरा सवाल हम करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर है वाई स्क्वायर फिर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको हल करेंगे, कह रहा है कि इसको योग कीजिए और योग करने पर हमें उत्तर क्या मिलता है। देखिए योग करने पर उत्तर क्या मिलेगा, ये प्लस की है और ये माइनस की है, इससे ये कट जाएगा, वाई है माइनस वाई है प्लस, इससे ये कट जाएगा, जेड है माइनस जेड है प्लस, इससे ये कट जाएगा। आंसर क्या मिलेगा दोस्तों, 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए सही उत्तर होगा, तो कोष्टक में हमें भरना है ए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 2x(x+y) का गुणनफल होगा। दोस्तों बाहर की संख्या अंदर ब्रैकेट के अंदर की जितनी भी संख्याएं होती है उनसे सभी से गुणा होती है, तो 2x को x+y से गुणा करना है। तो 2x गुणा x करेंगे तो 2x² हो जाएगा, क्या होगा, 2x² फिर प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे, फिर 2x को गुणा वाई से करना है तो 2xy होगा। अब देखिए इस प्रकार का हमें आंसर मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर स में हमें सही उत्तर मिलता है, तो स को हमें भरना है कोष्टक में। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, 7x² + 2xy प्लस का 2x² प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2x² व्यंजक में पदों की संख्या कितनी है। व्यंजक में पूछ रहा है कि पदों की संख्या कितनी है। समान संख्या को देखिए दोस्तों, एक ही पद बोला जाता है और जब असमान पद हो जाते हैं तो वो क्या होती है, वो दूसरा तीसरा पद वैसे गिनते जाते हैं हम। देखिए 7x² 2x² और 2x² है, यहाँ पर ये तीनों एक ही है क्योंकि तीनों में x² आया हुआ है, तो ये एक होगा, इसको एक पद गणेंगे तीनों संख्याओं को। फिर इसमें देखिए 2xy, इसमें दो हैं, x और y भी आया हुआ है, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद बचता है y का अकेला, तो दो और एक कितना हुआ, 3 पद हो गए, तो इसमें 3 पद हमें उत्तर ऐसे मिलता है, तो ए को भरना है कोष्टक में। 4a+2b में से 2a+b को घटाने पर उत्तर क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4a और प्लस में है 2b, अब इसमें से घटाना है दोस्तों, 2a+b को घटाना है, तो 2a+b को हम इसमें से घटाएंगे तो चिन्ह हमारा चेंज होगा, तो 2b में से 1b जाता है तो 1b बच जाता है,
और चार ए में से दो ए जाते हैं तो दो ए हमारा बच जाता है। आंसर हमें मिलता है 2AB, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमें सही उत्तर देता है। तो ए को भरना है कोष्टक में। आइए सवाल नंबर 7 देखते हैं। 3x, 10x, 15x का योग होगा, इन तीनों को जोड़ लेना है। तो 3 और 10 13, 13 और 15 कितना होता है दोस्तों? 28 होता है। साथ में x लगा हुआ है तो x लिख देना है। तो ऑप्शन नंबर ब हमारे लिए सही उत्तर देता है, क्योंकि इसमें 28x है तो ब को भरना है कोष्टक में। 8वां सवाल है, एक घन की भुजा 6a हो तो उसका आयतन होगा। तो दोस्तों आपको ज्ञात तो होगा कि घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, ए की घात 3, यानी कि उसका घन करना होता है। क्या करना होता है? उसका घन करना होता है। तो देखिए क्या करेंगे, 6 ए हमें दिया हुआ है, इसका हमें करना है घन। इसका क्या करना है हमें? घन। तो 6 की घन संख्या होती है दोस्तों 216, और ए का घन होगा 1 की घात 3। अब देखिए 216, 1 की घात 3 कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर स में ये लिखा हुआ हमें मिलता है। तो ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर होगा। तो स को भर देना है कोष्टक में। एक्स वाई, फिर आता है एक्स प्लस वाई, फिर आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड में एक पदी व्यंजक है। एक पदी का मतलब दोस्तों क्या है? जिसमें एक ही संख्या हो, यानी कि प्लस माइनस में वो संख्या नहीं दी गई हो, तो वो संख्या है हमें एक्स वाई मिलता है, जो कि एक्स वाई है ऑप्शन नंबर ए में, जो उत्तर सही है। ए को भर देना है कोष्टक में। आशा करता हूँ दोस्तों इस सरल से सभी सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, सब लोगों के पास में जितने मिलने वाले उनके पास शेयर करना, और शेयर करना, शेयर करने के साथ में सब्सक्राइब करना न भूलना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।